क्या हुआ जब अचानक रात 2 बजे एक लड़की चुपचाप राम मंदिर में घुस गई, फिर जो चमत्कार हुआ उसे देखकर सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले और बाद में कई सारे चमत्कार देखने को मिले हैं, जिससे यह साबित होता है कि सनातन ही सत्य है। उस समय कई जगहों पर गिद्धों का दिखाना, कई जगह पर भालू का प्रकट होना, प्रभु श्री राम की मूर्ति के साथ एक वानर का चलना और साथ ही साथ मंदिर के गर्भगृह में वानर की मौजूदगी, कई ऐसे बड़े चमत्कार राम मंदिर में देखे गए हैं जो साक्षात प्रमाण देते है कि सच में कोई तो ऐसी शक्ति है जो इस संसार को चला रही है। लेकिन दोस्तों, दिल्ली में रहने वाले उमेश और सीमा नाम के दो पति पत्नी के साथ 24 जनवरी के दिन अयोध्या में जो हुआ उसे जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपको इस बात का एहसास होगा कि सच में यह प्रभु श्री राम का ही चमत्कार है। 22 जनवरी 2024 के दिन राम मंदिर में राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। इस दिन देश विदेश की कई बड़ी हस्तियां वहां पर मौजूद थी और जब सभी ने राम लल्ला की उस मूर्ति को देखा तो उनकी प्यारी सी मुस्कान सभी के दिलों पर छा गई। जिस मूर्तिकार ने मूर्ति को बनाया उसका भी कहना था कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद मूर्ति के भाव बदल गए हैं, मुस्कान बदल गई है, मानो मूर्ति के अंदर प्राण आ गए हो। इसीलिए हिंदू धर्म में प्राण प्रतिष्ठा का महत्व होता है। इससे एक बात तो साबित होती है कि अयोध्या में साक्षात राम लल्ला विराजमान हो गए हैं। 23 जनवरी 2024 से आम श्रद्धालुओं के लिए प्रभु श्री राम के द्वार खोल दिए गए और श्रद्धालुओं की लाखों की तादाद मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंच गई और तकरीबन 5 लाख लोगों ने 23 जनवरी को राम लल्ला के दर्शन किए। उमेश और सीमा राम मंदिर जाना चाहते थे क्योंकि उनके पिता भी एक बहुत बड़े राम भक्त थे और अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए उन्होंने कार सेवा में भूमिका निभाई थी। उनके पिता अपनी आंखों से राम मंदिर का निर्माण नहीं देख पाए, लेकिन अपने पिता की एक तस्वीर साथ में लेकर वह अपनी पत्नी और 12 साल की बच्ची के साथ दिल्ली से अयोध्या रवाना हो गए। उनका मानना था इस फोटो के माध्यम से वह श्री प्रभु श्री राम के दर्शन अपने पिता को कराएंगे, लेकिन उमेश को इस बात का अंदाजा नहीं था कि 24 जनवरी के दिन और ज्यादा भीड़ राम मंदिर आने वाली थी। जब वे अयोध्या पहुंचे तो वाकई में अयोध्या का नजारा देखने लायक था। रेलवे स्टेशन पहुंचकर उन्हें महसूस हो रहा था मानो वे साक्षात देवनगरी में आ गए हो, क्योंकि त्रेता युग में अयोध्या को देवताओं का नगर कहा जाता था। ऐसा कहते हैं जब भगवान विष्णु ने प्रभु श्री राम रूप में अवतार लिया और अयोध्या में जन्मे तो कई देवी देवता उनकी प्रजा बना बनकर अयोध्या में जन्मे और उनकी लीला को अपनी आंखों से देखा। जब प्रभु श्री राम सरयू नदी में समाहित हो गए तब सभी नगरवासी भी सरयू नदी में समाहित हो गए, क्योंकि वह सभी देवी देवता ही तो थे। जब उमेश और सीमा ने अयोध्या नगर की भव्यता को देखा तो उनके भी होश उड़ गए, क्योंकि यह कोई सामान्य बात नहीं थी। इससे पता चलता है कि भव्य मंदिरों का कितना महत्व है। अगर किसी स्थान पर एक भव्य मंदिर का निर्माण होता है तो वह शहर की प्रगति को साथ लेकर आता है, कई लोगों को रोजगार दिलाता है और साथ ही साथ उस शहर की प्रगति का माध्यम बनता है। ऐसे ही अयोध्या में जिस प्रकार से राम मंदिर का निर्माण हुआ था वैसे ही वहाँ पर प्रगति साफ तौर पर दिख रही थी। लेकिन जब उमेश और सीमा अपनी 12 साल की बच्ची के साथ राम मंदिर पहुंचे तब वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ मौजूद थी। शाम का समय था और इधर उधर भगदड़ मच रही थी। पुलिस प्रशासन जैसे तैसे भीड़ को काबू करने में लगा था, लेकिन भक्त प्रभु श्री राम के इतने दीवाने थे कि वह तो बस किसी भी तरह बस एक झलक रामलला के दर्शन करना चाहते थे। इस बीच उमेश जी भी अपनी पत्नी और बच्चे के साथ लाइन में लग गए। तकरीबन 4 से 5 घंटे उन्हें लाइन में लगना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपना अनुभव बताते हुए कहा कि इतनी भीड़ होने के बावजूद भी सभी भक्त एक दूसरे के साथ समन्वय बनाए हुए थे। सभी के मन में राम बसे थे, इसीलिए सभी के अंदर राम सी मर्यादा आ गई थी। सभी भक्त बहुत शांतिपूर्ण तरीके से उसे लाइन में लगे हुए थे और हमें 4 से 5 घंटे के पश्चात रामलला के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उस समय रात्रि की शुरुआत हो चुकी थी। मैंने अपनी पत्नी और बच्ची के साथ राम लल्ला के दर्शन किए और अपने पिता की फोटो को उन्हें दिखाया। ऐसा लग रहा था मानो आज मेरे पिता की आत्मा को शांति मिल गई हो, क्योंकि उन्होंने कार सेवा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लेकिन मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि आज प्रभु श्री राम मेरी भक्ति की परीक्षा लेने वाले थे, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ का माहौल होने के कारण रात्रि के समय मंदिर के अंदर नजर बहुत भयानक था। चारों तरफ लोग ही लोग मौजूद थे और बात जब आई बाहर जाने की तो एक बहुत बड़ा जन सैलाब दर्शन करके मंदिर के बाहर लौट रहा था। इसी बीच अचानक से मेरी पत्नी सीमा का हाथ मेरी 12 साल की बच्ची हर्षिता से छूट गया, लेकिन भीड़ में उसे इस बात का अंदाजा नहीं हुआ। हम प्रभु श्री राम का नाम जपते जपते मंदिर से बाहर आ गए और जब हमने देखा कि हमारी बच्ची हमारे साथ नहीं है तो हमारे भी होश उड़ गए। चारों तरफ देखने पर केवल और केवल भीड़ नजर आ रही थी और बच्ची का कोई अता पता नहीं था। हम चारों तरफ उसे ढूंढ रहे थे और हर किसी से उसके बारे में पूछ रहे थे। कई लोगों को हमने उसका फोटो भी दिखाया, लेकिन किसी को कोई जानकारी नहीं थी कि आखिर वह कहां पर है। हम उसी जगह पर फूट फूट कर रोने लगे और चारों तरफ भटकते भटकते उसे ढूंढने लगे और देखते ही देखते तकरीबन रात के 12 बज गए, लेकिन हमारी बेटी का हमें
कुछ पता नहीं चला था कि आखिर वह कहां, तब तक हम थक हार कर उस समय हनुमानगढ़ी मंदिर पर पहुंचे जो कि अयोध्या राम मंदिर से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। हम अपनी बेटी को इधर उधर ढूंढते ढूंढते अचानक ही हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंच गए थे। जब हम वहां पहुंचे तब हमने हनुमान जी से प्रार्थना करी कि प्रभु श्री राम के कार्य को पूरा करने के लिए आपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और आज हम भी राम लल्ला के दर्शन करने आए थे, लेकिन हमारी बच्ची कहीं लापता हो गई है। हे पवन कुमार, हम आपसे विनती करते हैं, इसे प्रभु श्री राम का कार्य मानकर हमारी बच्ची का किसी ना किसी तरह पता लगाइए। कुछ देर हम हनुमानगढ़ी मंदिर में बैठकर ही रोते रहे, बिलखते रहे। ना कोई हमें सहारा देने वाला था और ना ही कोई आंसू पोंछने वाला, लेकिन एक विश्वास था कि संकट मोचन हनुमान जी हमारे संकटों को जरूर दूर करेंगे। तभी उस स्थान पर एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसकी हमने कल्पना नहीं की थी। हनुमानगढ़ी क्षेत्र में हमें एक बंदर दिखाई दिया जिसका मुख लाल था और उसके हाथ में एक रुमाल था। जब हमने उस रुमाल को ध्यान से देखा तो वह रुमाल हमारी बेटी हर्षिता का था, लेकिन सवाल यह था आखिर वह रुमाल उस बंदर के पास कैसे आया। उमेश और सीमा के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन अभी भी उनकी बेटी नहीं मिल पाई थी। वह इसे हनुमान जी का संकेत मान रहे थे, जिसके बाद उन्होंने उस बंदर का पीछा करना शुरू कर दिया और वह बंदर के पीछे पीछे चल दिए। देखते देखते उसे बंदर का पीछा करते करते उन्होंने 1.5 किलोमीटर का सफर पूरा किया और वे फिर से अयोध्या राम मंदिर के दरवाजे पर पहुंच गए। रात्रि के समय दरवाजा बंद हो चुका था, अंदर जाने का कोई मार्ग नहीं था, लेकिन वह बंदर हर्षिता के रुमाल को राम मंदिर के दरवाजे पर छोड़कर चला गया। ऐसा लग रहा था मानो उनकी बच्ची मंदिर के अंदर मौजूद। अब उमेश और सीमा के सामने अब इंतजार करने के अलावा दूसरा और कोई रास्ता नहीं था। सुबह तक उन्होंने इंतजार किया, उन्हें प्रभु श्री राम जी से उम्मीदें थी, संकट मोचन हनुमान जी महाराज पर भरोसा था। और जब प्रातः काल प्रभु श्री राम लल्ला के दरवाजे खोले गए तब तक वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ मौजूद थी। ऐसा लग रहा था इतनी भीड़ में आखिर वह अपनी बच्ची को कैसे ढूंढ लेंगे। तब जैसे ही राम मंदिर का दरवाजा खुला तो उमेश और सीमा के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि अंदर मंदिर के पुजारी अपने हाथ में उस बच्ची को लिए खड़े हुए थे। उनका कहना था कि यह बच्ची शायद रात्रि से ही इस मंदिर में है। सुबह राता दरवाजे खुलते ही हमें यह राम लल्ला के गर्भगृह में थी। अच्छी ऐसा लग रहा था साक्षात राम लल्ला इसके साथ खेल रहे हो, और साथ ही में एक बंदर भी वहां पर मौजूद था जो हमें इससे मिलकर कहीं ध्यान हो गया। सीमा और उमेश को अपनी बच्ची पुनः मिल चुकी थी, उनका विश्वास नहीं टूटा था बल्कि उनकी आस्था और ज्यादा बारे गई थी, लेकिन प्रश्न अभी भी यही था कि आखिर उनकी 12 साल की बच्ची हर्षिता रात्रि के समय मंदिर में कैसे रह गई। क्या वह मंदिर के अंदर ही छूट गई थी या फिर बाहर बहुत ज्यादा असुरक्षा होने की वजह से। यह हनुमान जी का चमत्कार था कि उन्होंने किसी तरह से उस बच्ची को राम लल्ला के गर्भगृह में छोड़ दिया। जो भी हो, लेकिन यह भी एक बहुत बड़ा चमत्कार था कि एक माँ बाप को अपनी गुम हुई बच्ची प्रभु श्री राम जी की कृपा से पुनः प्राप्त हो गई। इसके बाद मैं पुनः दिल्ली के लिए रवाना हो गए और अपने साथ घटी इस घटना के बारे में उन्होंने सभी को बताया। सबका एक ही कहना था कि जिस शहर में प्रभु श्री राम का निवास हो और जिसके रक्षक स्वयं हनुमान हो, ऐसे स्थान पर किसी भी प्रकार के भय की क्या जरूरत है। दोस्तों, आज की यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप लाइक जरूर करें, कमेंट बॉक्स में सच्चे भक्त जय श्री राम लिखें और हमेशा ऐसी सत्य चमत्कारी घटनाएं देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को जय श्री राम।